दिनांक 19/4/23 को रात्रि को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास थाना अध्यक्ष द्वारा ये पता चला कि कोई एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ एक 26 वर्षीय लड़के द्वारा जो है गलत कार्य उनके साथ किया गया है, बलात्कार की घटना घटित हो गई है। उसी सूचना फिर उन्होंने मुझे रात्रि में दी, तो उसी के पश्चात जो अभी प्रभारी थानाध्यक्ष हैं ज्योति बसु और उनके साथ जो संजय पासवान है पुवनी पर पुवनी अलका कुमारी और जो समस्त थाना की टीम है उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है अभियुक्त को पीड़िता की जो है पहचान करा के अभियुक्त की पहचान करा के उसको त्वरित रूप से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो भी आगे ड्यू प्रोसेस होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और जो भी एफएसएल की टीम है उसके द्वारा पीओ में जो भी एविडेंस कलेक्शन होता है वो किया गया और तो इस प्रकार जो है बख्तियारपुर थाना की टीम द्वारा जो है इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अच्छी तरीके से जो है उसमें जो है अभियुक्त उसको गिरफ्तार किया। एक ही अभियुक्त था इसमें और एक कहां से गिरफ्तारी हुई सर इसकी? इसकी जो गिरफ्तारी है वो माधोपुर के बगल फोरलेन के पास में जो है वो नल जल योजना का कार्य चल रहा है वहीं जो इस घटना का पीओ है और ये जो अभियुक्त है वही गश्ती के दौरान जो पुलिस गाड़ी चल रही थी तो उसी के द्वारा पीड़िता जो है उनको मिली गश्ती के दौरान उसी के द्वारा बताया गया तो फिर अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। लड़की का पहले से पहचान था क्या सर उस युवक के साथ? नहीं नहीं, जैसा कि पीड़िता द्वारा बताया गया है कि वो नहीं जानती थी, वो घर से निकली थी परिवार, वो 18 तारीख को घर से निकल गई थी किसी गुस्से से परिवार में किसी, वो जो है 12 साल की लड़की है तो इसी से वो ट्रेन में थी और ट्रेन से जब उतरी तो इसी अभियुक्त के द्वारा जो है उसको बहलाया फुसलाया जाए क्योंकि ये 12 साल की है लड़की जो है तो ये पहले अभियुक्त जो है शादीशुदा भी है तो इसको बहला फुसला के फिर जो है ये उसको ले गया उसके साथ जो है गलत हरकत की।